नमस्कार यूपी, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले के बारे में जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वहीं पे जल समाधि भी ली। यूपी का एक ऐसा जिला जिसको साउथ कोरिया के लोग अपना ननिहाल मानते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने इसी जगह पे राज्य किया और वेद पुराणों में इस नगर की तुलना स्वर्ग से की गई है। जी सही सोच रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की। सरयू नदी के तट पे बसा ये धार्मिक और ऐतिहासिक शहर अयोध्या, जहाँ पे श्री राम ने जन्म लिया और इसी जिले के गुप्तार घाट में जल समाधि भी ली। सनातन धर्म के अनुसार मनु, जो कि संसार के प्रथम योगी पुरुष थे, उन्होंने इस नगर को बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अयोध्य, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन स्वांग 7वीं शताब्दी में यहाँ आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध देव ने अयोध्या, जिसको साकेत के नाम से भी जाना जाता था, इसमें 16 सालों तक निवास किया था। 2018 से पहले अयोध्या जिले का नाम फैजाबाद था। 2017 में यूपी की सत्ता समाजवादी पार्टी के हाथ से फिसल चुकी थी। सूबे की कमान एक संत के हाथ में आई और आवाज उठने लगी कि फैजाबाद से पहले अयोध्या नाम का अस्तित्व था, वो तो कुछ कालखंडों में आक्रांताओं ने नाम बदल दिया। लेकिन अब समय की मांग है कि अयोध्या को उसकी पहचान दिलाई जाए। मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों और आम लोगों की भावना का सम्मान करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया और 6 नवंबर 2018 को फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या कर दिया गया। बात 13वीं शताब्दी की है। अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना एक जहाज पर सवार होकर कोरिया द्वीप के काया राज्य के लिए रवाना हुई। दरअसल उनके माता पिता को स्वप्न में ईश्वर ने आदेश दिया था कि सुदूर काया राज्य के राजा किम सूरो ही उनकी बेटी के पति होंगे। इस सपने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को कुछ अंगरक्षकों और सेवक सेविकाओं के साथ काया राज्य की तरफ रवाना कर दिया। जब राजकुमारी का जहाज कोरिया के काया राज्य की सीमा में पहुंचा तो वहां राजा किम सूरो के सैनिक राजकुमारी को राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें अपने राजमहल में जगह दी और फिर दोनों का विवाह हुआ। यहाँ राजकुमारी को रानी हाँ ओके का नाम दिया गया। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि रानी हाँ अपने साथ भारत से चाय लेकर कोरिया पहुंची थी। कोरिया के लोगों को चाय से परिचित कराने का श्रेय रानी हाँ को दिया जाता है, इसलिए उन्हें टी पर्सन ऑफ कोरिया भी कहा जाता है। कोरिया की तरह ही अयोध्या में भी रानी हाँ की याद में एक स्मारक स्थल बनाया गया है। यहाँ कोरिया से हर साल हजारों लोग पहुँचते हैं। अयोध्या प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी साकेत थी। अयोध्या की स्थापना प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर 2200 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। अयोध्या का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण एवं समृद्ध है। यह प्रभु श्री राम की जन्म एवं कर्मस्थली है। राम भरत मिलाप के पश्चात भरत जी खड़ाऊं लेकर अयोध्या मुख्यालय से 15 किलोमीटर दक्षिण सुल्तानपुर रोड पर स्थित भरतकुंड नामक स्थान पर 14 वर्ष तक रहे। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार फैजाबाद, जो कि आज अयोध्या के नाम से जानी जाती है, की स्थापना अवध के पहले नवाब सआदत अली खान ने 1730 में की थी। उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाई, लेकिन वह यहाँ बहुत कम समय व्यतीत कर पाए। तीसरे नवाब शुजाउद्दौला यहाँ रहते थे और उन्होंने नदी के तट पर 1764 में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। उनका और उनकी बेगम का मकबरा इसी शहर में स्थित है। 1775 में अवध की राजधानी को लखनऊ ले जाया गया। मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल में धर्मनगरी अयोध्या पर विवादों की छाया पड़ी। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई और उसके बाद उस मस्जिद को बाबरी मस्जिद का नाम दिया। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी। उनका कहना था कि इस स्थान पर राम मंदिर था। इस घटना के बाद देश के कई इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़के और कई लोगों की जान गई। इस विवाद में अंतिम निर्णय 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को जमीन सौंपने एवं मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। 120 किलोमीटर वर्ग में फैली अयोध्या की कुल जनसंख्या 55,000 से भी ज्यादा है। यहाँ पे हिंदी और अवधी भाषा बोलचाल में इस्तेमाल की जाती है। अयोध्या रेल मार्ग से भारत के कई शहरों से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में अयोध्या में एयरपोर्ट भी बन रहा है,
जिसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट है। अयोध्या यूं तो सदैव किसी न किसी आयोजन में व्यस्त रहती है, परंतु यहाँ कुछ विशेष अवसर हैं जो अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। श्रीराम नवमी, गुरु पूर्णिमा, श्रावण झूला, कार्तिक परिक्रमा, श्रीराम विवाह उत्सव आदि उत्सव यहाँ प्रमुखता से मनाए जाते हैं। आइए अयोध्या के कुछ मुख्य आकर्षण की बात करते हैं। कनक भवन। हनुमानगढ़ी के निकट स्थित कनक भवन अयोध्या का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर सीता और राम जी के सोने के मुकुट पहने प्रतिमाओं के लिए लोकप्रिय है। इसी कारण बहुत बार इस मंदिर को सोने का घर भी कहा जाता है। यह मंदिर टीक मगड़ की रानी ने 1891 में बनवाया था। इस मंदिर के श्री सीताराम जी भारत के सुंदरतम स्वरूप कहे जा सकते हैं। श्रीराम जन्मभूमि। शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित रामकोट में अयोध्या का सर्वप्रथम स्थान श्रीराम जन्मभूमि है। श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के बाल रूप के दर्शन यहाँ होते हैं। यहाँ भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा रहता है। मार्च अप्रैल में मनाए जाने वाला रामनवमी पर्व यहाँ बड़े जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। हनुमानगढ़ी। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को यह अधिकार दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए अयोध्या आएगा उसे पहले तुम्हारा दर्शन पूजन करना होगा। यहाँ आज भी छोटी दीपावली के दिन आधी रात को संकट मोचन का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे की एक कथा प्रचलित है। सुल्तान मंसूर अली अवध का नवाब था। एक बार उसका एकमात्र पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। प्राण बचाने के आसार नहीं रहे तो सुल्तान ने थक हार कर संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में माथा रख दिया और धीरे धीरे पुत्र की धड़कनें पुनः प्रारंभ हो गईं। जिसके बाद नवाब ने न केवल हनुमानगढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया बल्कि ताम्र पत्र पर लिखकर ये घोषणा की कि कभी भी इस मंदिर पर किसी राजा या शासक का कोई अधिकार नहीं रहेगा और न ही यहाँ के चढ़ावे से कोई कर वसूल किया जाएगा। अयोध्या न जाने कितनी बार बसी और उजड़ी, लेकिन फिर भी एक स्थान जो हमेशा अपने मूल रूप में रहा वह हनुमान टीला है, जो आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। लंका से विजय के प्रतीक रूप में लाए गए निशान भी इसी मंदिर में रखे गए, जो आज भी खास मौके पर बाहर निकाले जाते हैं और जगह जगह पर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। नागेश्वरनाथ मंदिर। कहा जाता है कि नागेश्वरनाथ मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। माना जाता है जब कुश सरयू नदी में नहा रहे थे तो उनका बाजूबंद खो गया था। बाजूबंद एक नाग कन्या को मिला जिसे कुश से प्रेम हो गया। वह शिव भक्त थी। कुश ने उसके लिए मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि यही एकमात्र मंदिर है जो विक्रमादित्य के काल के पहले से है। शिवरात्रि पर्व यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राघव जी का मंदिर। ये मंदिर अयोध्या नगर के केंद्र में स्थित बहुत ही प्राचीन भगवान श्री राम जी का स्थान है, जिसको हम राघव जी का मंदिर नाम से भी जानते हैं। मंदिर में स्थित भगवान राघव जी अकेले ही विराजमान हैं। ये मात्र एक ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान राम जी के साथ माता सीता जी की मूर्ति विराजमान नहीं है। जैन श्वेतांबर मंदिर। हिंदुओं के मंदिरों के अलावा अयोध्या जैन मंदिरों के लिए भी खासा लोकप्रिय है। जैन श्वेतांबर मंदिर में जैन धर्म के अनेक अनुयायी नियमित रूप से अयोध्या आते रहते हैं। अयोध्या को 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। आज अयोध्या दर्शन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जिले की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।